Hello everyone, in this video lecture we will discuss Werner's theory. Alfred Werner ने ये theory दिया है coordination complexes में central metal ion और ligands के बीच में bonding को लेकर के उन्होंने एक theory form किया है जिसको हम Werner's theory कहते हैं. Alfred Werner ने coordination complexes के formation को लेकर के बहुत कुछ study किया. उन्होंने cobalt chloride और chromium chloride की mixing की अमोनिया और वाटर के साथ और पाया कि कुछ डिफरेंट टाइप के कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म हो रहे हैं. उन कॉम्प्लेक्सेस में उन्होंने बॉन्डिंग को लेकर के थ्योरी बनाया जिसको हम वर्नर थ्योरी कहते हैं. तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर में सीएसआईआर नेट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर वर्नर्स थ्योरी से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछते हैं, किस टाइप से उनको हम सॉल्व करेंगे, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए. लास्ट में हम लोग एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे जो इस पर ही बेस्ड रहेगा, वर्नर थ्योरी पर बेस्ड रहेगा, जिस पर क्वेश्चन टेस्ट में भी मैं आप लोगों को देने वाला हूं, जो कि हमारा संडे टेस्ट होने वाला है, उसमें आपको टेस्ट भी मिलने वाला है. चलिए हम लोग शुरू करते हैं डिस्कशन ऑन द वर्नर थ्योरी. देखिए वर्नर ने जो थ्योरी फॉर्म किया उसमें एक बहुत ही बेसिक बात की कि जो सेंट्रल मेटल आयन होता है उसकी टू टाइप की वैलेंस होती है. मैंने वो यहां पर पहले ही डिस्कस कर लिया है, हम उसको पहले देख लेते हैं. वैलेंसीज क्या क्या होती है, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बाद में हम और इसके थ्योरी को डिस्कस करते हैं. देखिए वर्नर ने ये कहा कि जो भी सेंट्रल मेटल आयन है कॉम्प्लेक्सेस के अंदर उसकी टू टाइप की वैलेंसी होती है, जिसको एक को कहा प्राइमरी वैलेंसी, अनदर वन इज सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी में ये कहा कि इट रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन. प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन. फॉर एग्जाम्पल यदि हम ये कॉम्प्लेक्स ले FeCN6 माइनस 4, तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की प्लस टू वो है प्राइमरी वैलेंसी. ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो भी सेंट्रल मेटल आयन है उस सेंट्रल मेटल आयन की प्राइमरी वैलेंसी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. सेकेंडरी वैलेंसी इट रिप्रेजेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन. सेंट्रल मेटल आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो लिगेंड्स लगे हुए होते हैं कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं उसको रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी वैलेंसी, जबकि आयोनाइजेशन स्फीयर को रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी वैलेंसी. दूसरी बात, इट इज आयोनाइजेबल. जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है, वो आयोनाइज हो सकती है. दीज आयन्स कैन बी टेस्टेड. प्राइमरी वैलेंसी के कारण जो हमको आयन्स मिलते हैं वो आयन टेस्ट कर सकते हैं हम, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी आयोनाइज नहीं हो सकती है. ये जो बॉन्डिंग होती है सेकेंडरी वैलेंसी से जो बॉन्डिंग होती है वो हम टेस्ट नहीं कर सकते, आयोनाइजेबल नहीं है. नंबर थ्री, इट इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन्स. प्राइमरी वैलेंसी ये हम जानते हैं कि सेंट्रल मेटल आयन जो होती है वो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होती है या उनका प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो इसका मतलब वो सेटिस्फाई किससे होगी, नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होगी. जबकि सेकेंडरी वैलेंसी की यदि हम बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी कोई भी हो सकती है, नेगेटिव लिगेंड्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव लिगेंड्स भी हो सकते हैं और न्यूट्रल लिगेंड्स भी हो सकते हैं. तो जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो किसी भी टाइप के मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई हो सकती है. फोर्थ वन, इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स. प्राइमरी वैलेंसी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स. ये कॉम्प्लेक्स के शेप से कोई रिलेशन नहीं रखती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की बात है वो एक डेफिनेट शेप को फॉर्म करती है. सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक डेफिनेट ज्योमेट्री रखते हैं, एक डेफिनेट शेप रखते हैं, तो इसका मतलब ये शेप से एसोसिएटेड है. फिफ्थ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट लाइन्स. डॉट डॉट डैश डैश से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इसको एक थिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. प्राइमरी वैलेंसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट लाइन्स एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द थिक लाइन्स. चलिए ये सारी बातें हम अप्लाई करते हैं अब एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर. तो अब हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि आखिर में वर्नर ने क्या प्रैक्टिकल किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया जिससे उसने ये कंक्लूजन दिया. चलिए सबसे पहले वो प्रैक्टिकल हम देखते हैं. देखिए कोबाल्ट क्लोराइड का एक कंपाउंड लिया, इस कंपाउंड की उसने अमोनिया के साथ रिएक्शन करा, एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई, एक्सेस ऑफ अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाई, तो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्सेस उसको मिले जिनके कलर्स डिफरेंट डिफरेंट आ रहे थे, जिसमें से एक कंपाउंड उनको मिला ये CO NH3 होल 6 Cl3. ये कंपाउंड मिला जो कि येलो कलर था.
दूसरा ये कंपाउंड मिला NH3 होल 5 Cl Cl2 जो कि पर्पल कलर था, पर्पल कलर। थर्ड NH3 होल 4 Cl2 Cl जो कि ग्रीन कलर था, और एक और कंपाउंड इसी का एक आइसोमर है Cl2 Cl वायलेट कलर था। तो ये दो इसके आइसोमर्स थे जिसमें से ये ट्रांस आइसोमर है जबकि ये सीस आइसोमर है, सीस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर दोनों एक जैसे हैं। अगला एक और कंपाउंड बना NH3 होल थ्राइस Cl3, ये एक कंपाउंड बना। देखिए कितने फाइव कंपाउंड्स यहां पर फॉर्म हो गए। ये फाइव कंपाउंड्स फॉर्म जो हुए हैं, इन फाइव कंपाउंड्स में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी। इन फाइव कंपाउंड्स में हम भी देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन आयन के अंदर अलग अलग टाइप के लिगेंड्स हैं, यहां पर अलग लिगेंड्स हैं, यहां पर अलग लिगेंड्स हैं, यहां पर अलग अलग टाइप के लिगेंड्स हैं, या उनका अरेंजमेंट अलग है, उनके कलर्स भी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस प्रैक्टिकल इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर उसने ये कंक्लूजन दिया कि कुछ प्राइमरी वैलेंसीज होती है, कुछ सेकेंडरी वैलेंसीज होती है। अब मैं स्ट्रक्चर बना करके इन कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करके बताता हूं। ओके, मैंने अब यहां पर ये थ्री कंपाउंड्स बना रखे हैं, इन थ्री कंपाउंड्स को हम स्टडी कर लेते हैं। देखिए ये जो फर्स्ट कंपाउंड मैंने यहां पर बनाया है ये वही है CO NH3 का होल 6 Cl3। अब यहां पर ये देखिए ये जो थ्री क्लोराइड्स यहां पर प्रेजेंट है, जब ये आयोनाइज होगा, ये कॉम्प्लेक्स जब आयोनाइज होगा तो हमको थ्री क्लोराइड आयन्स मिलेंगे। ये थ्री क्लोराइड आयन्स हमारे लिए प्राइमरी वैलेंसी है। इन प्राइमरी वैलेंसी को यहां पर मैंने डैश डैश या डॉट लाइन से शो कर रखा है, जबकि अंदर कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर सिक्स अमोनिया प्रेजेंट है जो कि हमारे लिए सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने वाले हैं। तो इनका एक डेफिनेट ज्योमेट्री भी है, डेफिनेट शेप है, यहां पर ये ऑक्टाहेड्रल शेप में प्रेजेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है हमारे लिए, अमोनिया क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी के पार्ट्स हैं जो कि लिगेंड्स हैं हमारे लिए। तो एक ये कॉम्प्लेक्स हो गया जिनको हमने थिक लाइन से बताया हुआ है लिगेंड्स को। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है हमारे लिए वो है कोबाल्ट का ये कॉम्प्लेक्स, जिसमें एक क्लोराइड अंदर आ गया है, मीन्स कॉम्प्लेक्स के आयन, कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर आ गया है। तो उसको हमने यहां पर दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करते हुए बताया है, मीन्स वन ऑफ द क्लोराइड इज सेटिस्फाइंग बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। तो यहां पर ये जो दो क्लोराइड्स हैं जो कि आयोनाइजेबल हैं तो वो हमारे लिए प्राइमरी वैलेंसी है, जबकि थिक लाइन वाले जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी है। थर्ड कंपाउंड ये कोबाल्ट, ये NH3 फोर Cl2 Cl। अब देखिए यहां पर टू क्लोराइड आयन्स आर सेटिस्फाइंग बोथ द प्राइमरी वैलेंसीज एंड सेकेंडरी वैलेंसीज, व्हाइल वन ऑफ द क्लोराइड आयन इज प्रेजेंट ओनली विद द प्राइमरी वैलेंसी एंड फोर अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर सेटिस्फाइंग द सेकेंडरी वैलेंसीज। तो ये यहां पर ये थ्री कंपाउंड्स हैं, हमको ये पता चलता है कि आखिर में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, और यही स्टडी किया वर्नर ने। अब चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर में कैसे क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं। तो मैं एक टेबल यहां पर बनाता हूं, इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस के बेस पर एक टेबल बनाता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन था, हम उस टेबल से डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर में क्या क्वेश्चन वहां से बन सकता है। और वो टेबल ये है कि हम ये जो अलग अलग कंपाउंड्स अभी बने थे उन कंपाउंड्स को देखिए, ये हम मैं लिख रहा हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो कि हमको अभी मिले थे, ये CO NH3 का होल 6 Cl3, एक ये मिला हुआ है CO NH3 का होल 5 Cl Cl2, एक ये मिला हुआ है CO NH3 4 Cl2 Cl, एक ये थर्ड कंपाउंड मिला हुआ है, और फोर्थ कंपाउंड ये मिला हुआ है NH3 5 Cl3, ये कि ये कंपाउंड मिला हुआ है। देखिए इन कंपाउंड्स को जब आयोनाइज करेंगे ऑन आयोनाइजेशन,
आयोनाइजेशन, नंबर ऑफ आयंस, कितने आयंस हमको मिलेंगे जब इनको आयोनाइज करेंगे, इनको डिसॉल्व करेंगे, सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व करेंगे, तो नंबर ऑफ आयंस हमको कितने कितने मिलने वाले हैं। फर्स्ट वाले कंपाउंड को जब हम डिसॉल्व करेंगे तो 3 क्लोराइड आयंस हमको मिलने वाले हैं, जबकि 1 कॉम्प्लेक्स आयन मिलने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस हमको सॉल्यूशन के अंदर मिलने वाले हैं कितने, 4। जबकि सेकंड को देखिए, सेकंड में 2 आयोनाइजेबल क्लोराइड से है, जबकि 1 कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। तो इसका मतलब यह है कि हमको यहां पर 3 आयंस सॉल्यूशन के अंदर मिलने वाले हैं, जबकि यहां पर थर्ड कॉम्प्लेक्स के अंदर देखिए, थर्ड कॉम्प्लेक्स में 1 क्लोराइड आयन और 1 कॉम्प्लेक्स आयन, मींस 2 आयंस हमको मिलने वाले हैं। जबकि फोर्थ कंपाउंड के अंदर देखिए, कोई भी प्राइमरी वैलेंसी नहीं प्रेजेंट है, इसका मतलब यह है कि यह एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। जब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो हमको कोई भी आयन सॉल्यूशन के अंदर नहीं मिलने वाला है। ये 4 कॉम्प्लेक्सेस में आयंस की स्टडी हमने कर ली। जब हमने इन कॉम्प्लेक्सेस को ट्रीट किया AgNO3 के साथ, तो जो प्राइमरी वैलेंसी है वो AgNO3 के साथ में रिएक्शन कर लेती है और AgCl का फॉर्मेशन करती है। मींस प्राइमरी वैलेंसी में प्रेजेंट क्लोराइड इस AgNO3 के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं और AgCl का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब देखें यहां पर कितने AgCl हमको मिलने वाले हैं, 3 AgSilver क्लोराइड हमको 3 मिलने वाले हैं, जबकि सेकेंड कंडीशन में हमको 2 सिल्वर क्लोराइड मिलने वाले हैं, थर्ड कंडीशन में हमको 1 सिल्वर क्लोराइड मिलने वाला है, जबकि फोर्थ कंडीशन में हमको कुछ भी कोई भी AgCl नहीं मिलने वाला है। जब हम इस ये चारों के चारों कॉम्प्लेक्सेस को AgNO3 के साथ ट्रीट करके चेक कर सकते हैं कि किस में कितने आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं, और यही किया भी वर्नर ने, और वर्नर ने ये डाटा कलेक्ट किया। अब इस डाटा के बेस पर देखो हम क्या कह सकते हैं, जब हम ये कह सकते हैं कि इन 4 कॉम्प्लेक्सेस में मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती जा रही है। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है ऊपर से नीचे। इस कॉम्प्लेक्स की मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा आने वाली है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा आयंस प्रेजेंट है, सेकेंड की उससे कम होने वाली, थर्ड की उससे कम होने वाली, और फोर्थ की तो मोलर कंडक्टिविटी बिल्कुल ही 0 आने वाली है क्योंकि उसमें कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया कि वो हमको अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस देगा और कॉम्प्लेक्सेस के बेस पर मोलर कंडक्टिविटीज को डिटरमाइन करवाएगा। चलिए एक और मोलर कंडक्टिविटी पर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी मोलर कंडक्टिविटीज को लेकर के ही है। देखिए मैं अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस यहां पर लिख रहा हूं, अलग अलग मॉडल कॉम्प्लेक्सेस लिख रहा हूं कि ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोई ऐसा प्राइमरी वैलेंसी पर कोई ऐसा हमने मॉलिक्यूल या आयन रखा है जिसमें -1 चार्ज प्रेजेंट है, कोई हमने ये दूसरा कॉम्प्लेक्स लिया जिसमें ऐसा कोई आयन प्रेजेंट है जिसके पास -2 चार्जेस प्रेजेंट है अंडरस्टूड, और कोई थर्ड हमने ऐसा लिगेंड और कॉम्प्लेक्स ले लिया जिसमें 3- चार्ज वाला कोई आयन लगा हुआ है। तो ये देखिए 3 अलग अलग कंडीशंस हो गई। अब कंडीशन क्या क्या है हमारे पास कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर +1 चार्ज है जबकि इस आयन के ऊपर -1 चार्ज है, यहां कंडीशन क्या है +2 चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर -2 चार्ज इस आयन के ऊपर, जबकि यहां पर कंडीशन क्या होगी +3 चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर जबकि इस आयन के ऊपर -3 चार्ज प्रेजेंट होगा। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि इधर से इधर जाने पर चार्ज बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज जितना ज्यादा होगा चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ऐसा मैं लिख सकता हूं मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज बढ़ेगा मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो इधर से इधर जाने पर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द
मोलर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। तो हमको जो भी कॉम्प्लेक्स एग्जाम के अंदर दिए हुए होंगे उनमें हमसे वो इस कॉन्सेप्ट पर भी मोलर कंडक्टिविटी को कंपेयर करवा सकता है, जिसमें चार्जेस कंपेयर करने होते हैं हमको कि कॉम्प्लेक्स पर और आयन पर चार्जेस हैं अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी वेरी कर रही है। नेक्स्ट हम एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं अब, और उस एक न्यूमेरिकल टाइप को सॉल्व करने के बाद हम सीख जाएंगे कि आखिर में कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, आई हैव रिटन वन क्वेश्चन हियर, दैट इज अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन टू बी सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्नर्स थ्योरी। वर्नर थ्योरी के बेस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को इंटरप्रिटेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत आसान क्वेश्चन लिया हुआ है। और यहां पर देखिए, व्हेन 0.01 मोल ऑफ कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्सेस हमको बना करके दिए हुए हैं, एक कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स 0.01 मोल हमको मिला हुआ है, वो हम ट्रीट करते हैं विद AgNO3 सॉल्यूशन, एक्सेस ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन से हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, जिससे हमको 4.305 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ऑब्टेन हो रहा है। कितने ग्राम? 4.305 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ऑब्टेन हो रहा है, क्योंकि प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या होगा कॉम्प्लेक्स का, इनमें से वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिससे हम ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं या AgNO3 को ट्रीट कर रहे हैं। तो देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, हमको 0.01 मोल कॉम्प्लेक्स मिला हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इस फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की यदि हम बात करें तो हमको 0.01 मोल Cl- मिलेंगे, क्योंकि यहां पर 1 Cl- है। दूसरा, यहां पर 0.02 मोल Cl- मिलेंगे, क्योंकि 2 क्लोराइड आयंस हैं। थर्ड, 0.03 मोल क्लोराइड आयंस मिलने वाले हैं यहां पर इस थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब देखिए, AgCl का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन होगा? AgCl का फॉर्मेशन होगा। AgCl का मॉलिक्यूलर मास हो जाता है लगभग 142 और 0.5 मान लेते हैं हम, 142.5 इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। अब इस मॉलिक्यूलर मास से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी हमको कंसंट्रेशन आ रही है, क्योंकि AgCl का मॉलिक्यूलर मास हमको आ गया है। इस मॉलिक्यूलर मास में सिंपली हमको ये जो कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन हमको मिली हुई है, उस क्लोराइड आयन को ये इसे मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं 0.01 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 1.425 ग्राम AgCl मिलने वाला है। 0.01 मोल से यदि मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.425 ग्राम मिलने वाला है। 142.5 को यदि मैं 0.02 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलने वाला है लगभग 2.85 कुछ ग्राम मिलने वाला है ऐसा, ठीक है। जब मैं इसको 142.5 को 0.03 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा लगभग 4.27 कुछ ऐसा मिल रहा है हमको, 4.27 ग्राम आ रहा है इसका एग्जैक्ट आंसर। आप देखना मल्टीप्लाई करके क्या आता है, मुझे 4.27। अब देखिए, यहां से क्लियर हो गया है कि जब 3 मोल हमको क्लोराइड मिलेंगे तब जाकर के हमारा आंसर 4.305 के अप्रोक्स आ रहा है। जब इसके अप्रोक्स ये आ रहा है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो हमको इस टाइप से मोलर कंसंट्रेशन दे करके भी वो हमसे कंपेयर करवा सकता है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आई एम रेगुलरली अपलोडिंग द वीडियोज रिगार्डिंग CSIR NET एग्जाम, सो कीप वॉचिंग द वीडियोज। थैंक यू।